भारतीय जनता पार्टी ने समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान का आज शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश की जनता समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देगी। अभियान के दौरान 50 रथ पूरे प्रदेश में पहुंचकर सुझावों को एकत्र करेंगे। वहीं इन 50 रथों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अभियान का औपचारिक शुभारम्भ हो गया। पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। आने वाले 5 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का बीड़ा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है। ये रथ LED स्क्रीन, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बूथ और ऑपरेटर से लैस होंगे। यह रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 स्थानों पर पहुंचकर जनता को सुझाव देने के लिए प्रेरित करेंगे। यह रथ कॉलेज परिसरों के बाहर सार्वजनिक और यूथ कैंपस तक पहुंचेंगे। साथ ही फोन, SMS, व्हाट्सएप से भी आप सुझाव दे सकेंगे। सरकार प्रत्येक वर्ष समृद्ध मध्य प्रदेश में हुए कार्यों का जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेगी। वहीं प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटी भी लगेगी। प्रत्येक विधानसभा में एक चाय एक राय संगोष्ठी आयोजित कर इसके माध्यम से समृद्ध मध्य प्रदेश पर चर्चा कर सुझाव लिए जाएंगे। गाँव नहीं बचेगा जो 12 मासी पक्की सड़कों से न जुड़ाओ। चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते, और केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग हमें किया। जब मैंने कहा था कि बिजली 24 घंटा देने का टारगेट, मजाक उड़ाया गया था, बोल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, सड़कें ठीक की, बिजली की व्यवस्था बेहतर की, अरे 2900 मेगावाट इन्हें बिजली बनाए उपलब्ध कराई। 18,800 मेगावाट बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश की धरती पर है। और मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से दिवाली के दिन तक मध्य प्रदेश का कोई घर अंधेरा नहीं रहेगा, यह हमारा संकल्प है। उत्तर समाज की उस वर्ग को जिसको की आवश्यकता थी आर्थिक और सामाजिक उत्थान की, उनके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम किया, और ये योजनाएं कागजों पर नहीं उतरी। मुख्यमंत्री जी ने 40 से अधिक पंचायतें बुलाई समाज के विभिन्न वर्गों की, उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर ये योजनाओं का निर्माण हुआ, जिसके कारण आज देश में वो प्रदेश मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि देश के बहुत तेजी के साथ होने वाले विकसित होने वाले प्रदेशों में से एक है। और इसलिए हमने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को यहाँ तक ले आए हैं, अब एक समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मिस कॉल भी हमारे पार्टी ने दिया है 7304-7304। इस पर आप मिस कॉल दीजिए और अपने सुझाव दीजिए। पूरे वर्ष भर 14 साल में लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने जनता के सुझाव पर अमल किया है, उसको अमली जामा पहनाया है, और इसी तारतम्य में कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो, उसमें आम जन की सहभागिता हो, सब लोगों का योगदान हो, तो एक रथ निकले हैं, जिले जिले जाएंगे, इस रथ के माध्यम से लोग अपने सुझाव देंगे। भविष्य का संदेश समृद्ध मध्य प्रदेश, इस अवधारणा को साकार करने का काम संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और एक समृद्ध मध्य प्रदेश में किन चीज़ों को शामिल किया जाए, ये सुझाव मध्य प्रदेश की जनता से लेने के लिए आज ये कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभाओं में जगह जगह 20 स्थानों पर पेटियां रखकर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि भविष्य के मध्य प्रदेश की नींव हम कैसे रखें। भोपाल से 7i न्यूज़ के साथ आकाश तिवारी की रिपोर्ट।